कैसे हैं आप दोनों? बढ़िया है, सब ठीक है ना? ओ डॉक्टर मैडम आ गई। हे गर्ल्स, हाय हाय। सॉरी आई एम लेट, आज हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स थे। पिछली बार हम फातिमा के बेटे के बर्थडे पार्टी में मिले थे ना? या एक साल बीत गया, पता भी नहीं चला। अच्छा तुम लोगों को पता है, नेक्स्ट ईयर हमारे स्कूल का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन होने वाला है। वो लोग एलुमनी एसोसिएशन भी बना रहे हैं। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा इस बार। ओ फिर तो हम सबको मिल पाएंगे। अच्छा बाय द वे, हमने तेरा फेवरेट आइसक्रीम ऑर्डर किया है, ठीक है ना? अच्छा दिव्या क्यों नहीं आई? हाँ मैं भी यही पूछने वाली थी। वो बीमार है, पता नहीं वो आएगी कि नहीं। क्या हुआ उसे? सर्विकल कैंसर। क्या क्या है? आर यू सीरियस? सच में? हाँ लास्ट वीक में मुझे हॉस्पिटल में मिली थी, ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलने आई थी, तभी बताया उसने। वो बोली किसी को बताना मत। पर वो तो हमारे उम्र की है ना, अभी तो उसने 33 भी पार नहीं किया। वो सर्विकल कैंसर कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं, हम सबको हो सकता है। क्या बात कर रही हो? पीरियड्स पे हम सब लोग सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं, तो हम सबको रिस्क हो सकता है। आर यू सीरियस? जितने भी सैनिटरी नैपकिन है मार्केट में, उनमें से बहुत सारे में एक टॉक्सिन होता है, डायऑक्सिन। इसे सिर्फ कैंसर ही नहीं, इसे रैशेस, एलर्जी, इरिटेशन, ऐसी छोटी छोटी इश्यूज से लेके मूड स्विंग्स, इनफर्टिलिटी, थायराइड, डायबिटीज, हार्मोनल इम्बैलेंस, इम्यूनिटी प्रॉब्लम, ऐसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है और आखिर में कैंसर भी हो सकता है। माय गॉड। गीता मुझे डर लग रहा है इसे सुन के, कुछ और बात करें। मैं यहाँ कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करने आई थी। ओए डरपोक, ये तो बड़ी बात है। गीता तुम बोलो, तो हम लोग सैनिटरी नैपकिन स्विच करके पहले दिनों की तरह कपड़ा यूज करना शुरू कर देंगे? मेरा मतलब है रेगुलर सैनिटरी नैपकिन छोड़ के स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन यूज करना शुरू करो। स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन वो क्या है? विमेन हेल्थ को लेके ये लेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट है। ओके पहले मैं ये बताती हूँ कि डायऑक्सिन कैसे हमारे सैनिटरी नैपकिन में आता है। रेयॉन जो साधारण नैपकिन में होता है, वो रिसाइकल पुराने न्यूज़पेपर, प्लास्टिक और वुड पल्प से बनता है। रेयॉन का रंग सफेद करने के लिए उसमें क्लोरीन डाल के ब्लीच किया जाता है, और इसके साइड इफेक्ट से बनता है डायऑक्सिन, जो कि एक भयंकर टॉक्सिन है। जब नैपकिन हमारे त्वचा के कॉन्टेक्ट में आता है, तो हमें उसे खतरनाक बीमारियां जैसे कि कैंसर हो सकता है। US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अंतर्गत डायऑक्सिन 130 गुना साइनाइड से घटक है, और ये आर्सेनिक से 900 गुना ज्यादा खतरनाक है। एक लड़की को लाइफ में करीब 500 बार पीरियड्स आते हैं, और ये लगभग 2500 मेंस्ट्रुअल दिन बनते हैं। सो इस तरह वो जिंदगी के 7 साल पीरियड्स में निकालती है। अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है हम अपनी पूरी लाइफ में 10,000 से 15,000 तक पैड यूज करते हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, WHO के मुताबिक हम हर बार जब साधारण नैपकिन यूज करते हैं, तब 0.02 मिलीग्राम डायऑक्सिन हमारे शरीर में अक्यूमुलेट होने का खतरा है। तो फिर हम सबको भी कैंसर हो सकता है क्या? हम ऐसे नहीं कह सकते, कुछ लोगों का इम्यूनिटी अच्छा होता है, उनको लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, पर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जैसे रैशेस, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, तो हम सबको कभी ना कभी होती रहती है ना। तुमने अभी स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन के बारे में बताया ना, तो उसे कोई इश्यू नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन कॉटन बेस्ड होता है। कॉटन पैड के नीचे अनोखी मटेरियल है जिसका नाम है सुपर अब्सॉर्बिंग मटेरियल, इसीलिए इसमें डायऑक्सिन टॉक्सिन का रिस्क नहीं है, और अब्सॉर्प्शन भी रेगुलर नैपकिन से 5 गुना ज्यादा होता है। तो इसका मतलब यही है कि इसमें फायदा भी और इसका कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन इसमें एक बेनिफिट है, पर इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। तुम लोगों ने एनियन के बारे में सुना है? अरे एनियन कैटियन फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है ना? अच्छा तुमने BSc फिजिक्स किया ना, इसीलिए तुम्हें पता है। मैंने सिर्फ BCom ही किया है। अरे ये सब 10th स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलिसिस लेसन में आता है यार, शर्त लगा ले। ओके कूल। ये एनियन बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। जैसे हम बीच या वाटरफॉल पे जाते हैं तो कितना एनर्जेटिक और बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। हाँ वहाँ की हवा में एनियन होने के कारण होता है। इसका सैनिटरी नैपकिन से क्या लेने देना है? ये एनियन स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन के अंदर एक स्पेशल स्ट्रिप में होता है, इसीलिए हमारे बॉडी को ऑक्सीजन देता रहता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी रोकता है, और इसमें वो गंदी बदबू जो बुरे बैक्टीरिया से होती है ना, वो भी नहीं है। इस स्ट्रिप के अंदर टर्मलिन होता है,
जो फार आईआर इंफ्रारेड रेस और डायनामिक ऑक्सीजन माने एनियंस बनाती है। ये एक स्त्री के शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये न सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है बल्कि हवादार भी बनाए रखता है। ये स्त्री के शरीर में पीएच वैल्यू और हार्मोन्स को बनाए रखता है, जिससे मेंटल स्ट्रेस और मूड स्विंग्स कभी कम हो जाते हैं। तो मूड स्विंग प्रॉब्लम भी एनियन से ठीक हो जाएगी क्या?